ये टाइम ये मोमेंट ये मैगी इज परफेक्ट. हेलो फूड फैम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बेंगलुरु फूड सीरीज. आज की व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज बेंगलुरु इज वेरी फेमस एंड नोन फॉर द नाइट लाइफ. सो यहाँ पर काफी ज्यादा रेस्टोरेंट्स और कैफेज और ढाबाज है जो 3-4 बजे तक खुले रहते हैं. फिर उसके बाद वी विल ड्राइव टू नंदी हिल्स एंड वी विल जस्ट see the mesmerizing sunrise. So hopefully we can catch up to sunrise on time. So in the meanwhile, agar aapne pichli episodes nahi dekhi hai to jaldi se jaake dekho. Beagle hai na? Yahan pe log game bhi khel rahe hain. Bobby, you waiting kya? देख टाइटैनिक का गाना बजाया. मैंने मंगाया है आइस अमेरिकानो अपने लिए और नटेला लाइट प्राची के लिए. देख के तो काफी अच्छा लग रहा है. व्हिप्ड क्रीम ऊपर है, चॉकलेट सॉस ड्रिजल किया हुआ है. लुक्स टेम्पटिंग. हेयर इन गोज फॉर यू प्राची एंड हेयर इन गोज फॉर मी. तो जैसे कि मैं आपको प्रीवियस एपिसोड्स में बता रही थी दैट बेंगलुरु सिटी इज क्वाइट नोन फॉर इट्स नाइट लाइफ. वेल फिलहाल अभी सिटी में तो नाइट लाइफ उतना मुझे दिखा नहीं, बट डेफिनेटली सिटी से 1.5 घंटे की ड्राइव में दिस इज वन स्पॉट विच इज रास्ता कैफे, जो हमें और रास्ते में मिल गया वाइल वी वर हेडिंग टूवर्ड्स नंदी हिल्स. तो दिस कैफे इज क्वाइट वाइबिशियस. अभी रात के 2 बज रहे हैं. It's too crowded. I think it's very popular and famous not only among the youth but also among the families. इस जगह की अगर speciality की बात करूँ तो I think these are the few pointers which I have observed, क्योंकि आधा घंटा का waiting था, उसके बाद भी अभी आधा घंटा time लग रहा है for my food to come because मैंने कुछ different ही खाना order किया है इसलिए. तो speciality मुझे ये लगता है कि ये सुबह के 4 बजे तक खुला रहता है एंड यहाँ पर हुक्का और खाना एंड everything is all available. So the items which I have ordered here is definitely Mangalorean. Now why Mangalorean? Because we are traveling to Nandi Hills through the Mangalore highway. So is food series mein mera Mangalore jaake cover karna to nahi ho payega, but definitely I can try out some Mangalorean dishes. So I have ordered ghee rice, ghee roast chicken and Mangalorean curry which will be served with neer dosa. So jab tak mera khana aata hai, let's cheers to a chilled sweet American. मीठा है ही नहीं, चीनी डालो. आधा घंटा वेट. ओके वाओ. ओके नीड डोसा राइस घी राइस. ओके सो यहाँ पर मैंने मैंगलोरियन थोड़ा खाना मंगा लिया है. वी हैव गॉट द घी रोस्ट चिकन विथ आई विल बी ईटिंग दिस विथ घी राइस. वाओ ये छौका हुआ घी चावल है विच लुक्स सुपर टेम्पटिंग. देन आई हैव गॉट दिस मैंगलोरियन चिकन करी. ओके ओ मैंगलोरियन चिकन करी लुक्स डिफरेंट यार, ऐसा करी तो मैंने पहले खाया ही नहीं है. दिस इज रियली डिफरेंट एंड दिस आई विल बी ईटिंग विथ नीड डोसा. बेसिकली चावल के आटे का डोसा रोटी विच वी कैन कॉल इट एज. तो चलो खाते हैं अब. आई विल टेक नीड डोसा, मैंगलोरियन चिकन स्टू विच इज मैंगलोरियन चिकन करी. ओह कड़ी पत्ता एंड जो खुशबू है मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है. टमाटर एंड ऑल. The gravy also looks very creamy and different, you know. Wow. Oh, this is so soft. Wow, it's so soft. बड़ा ही different item होने वाला ये. Oh, इसके अंदर there's garlic clove. इसका preparation is very different, no? With the neer dosa. My God, this is absolutely different flavor which I'm eating. ऐसे flavors मैंने पहले बिल्कुल भी नहीं खाए हैं. So these flavors are absolutely new to me. मैं ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि मेरे को इसका preparation का idea नहीं है. मुझे पता नहीं इसमें क्या ingredients बढ़ते हैं. As per the taste अगर it's sour, it's spicy, it's sweet. कड़ी पत्ता का काफ़ी अच्छा एक refreshing taste आ रहा है. राई का बहुत अच्छा पंच आ रहा है, you know when you're biting. So overall it's a very flavorful curry with richness of taste.
in it. And this is really going very, very well with the new dosa. पर घी रोस्ट चिकन है, अब मैं बता नहीं सकती, इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है. तो इसको मैं थोड़ा सा घी रोस्ट चिकन को मैं नी डोसा के साथ ट्राई करूँगी. आप देख सकते हैं इसके फ्लेवर्स, कलर भी काफ़ी प्यारा है. इट्स वेरी रिच इन कलर एंड रिच इन अरोमा. आई एम डैम श्योर दिस इज रिच इन टेस्ट एज वेल. इट्स सच अ वंडरफुल ट्रीट इनसाइड माय माउथ. एक हल्का सा जो ना कोयला का जो एक हम लोग तंदूर में फ्लेवर देते हैं, जला जला एक तो टेस्ट आता है, डिलीशियस जला टेक्सचर उसका बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है. इसमें छोटे छोटे चिकन के चंक्स आपको दिख सकता है कि चिकन चंक्स दिया हुआ है. दिस इज़ वेरी वेल टॉस्ड विद मसाला लाइक प्याज, टमाटर, कड़ी पत्ता, ऑल द साउथ इंडियन मसाला एंड ऑल. यू कैन ईट दिस नॉर्मली एज वेल. ओह माय गॉड, eat this with neat dosa, you will love it. Let me try the ghee rice. एक स्पून खा के देखती हूँ स्टैंड अलोन, उसके बाद फिर मैं मैंगलोरियन चिकन करी के साथ खाऊंगी. दिस इज सो सोलफुल. मिर्ची, धनिया पत्ता और घी के साथ छौका हुआ है नमक डाल के, और कुछ भी नहीं है, there's nothing, but still it is heavenly delicious. Very, 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 very delicious. And you don't need any curry with this. Like for me, I can eat standalone. We'll mix this with the ghee roast chicken and ghee rice. This will be like too much ghee. Let's take this bite. Nange tumba iste aitu. I must say, I'm really liking it. Let's try with garlic. जो कड़ी पत्ता का जो फ्लेवर है ना, that in itself is enough to give you a refreshing taste. ये खाने के बाद ना मूड एकदम चेंज हो गया. लाइक 2 बजे इतना डिफरेंट फ्लेवर्स मिल रहा है खाने को, मूड बन गया बिल्कुल. इसका फ्लेवर्स मेरे को पता कैसा लग रहा है, लाइक कोकोनट का चटनी जो हम लोग खाते हैं डोसे के साथ, वो चटनी ऐसा लग रहा है. वो चटनी किसी ने ग्रेवी में डाल के बनाई है. तो बेसिकली ये प्रेपरेशन, इसका जो प्रेपरेशन है उसमें कोकोनट भी है. तो इट्स वेरी माइल्ड, क्रीमी एंड वेरी सोलफुल, यू नो, काफ़ी अच्छा है. एंड चिकन हैज़ ऑल्सो गॉट वेरी सॉफ्ट एंड टेंडर. एक दही और कोकोनट मिल्क, जब आप ये 2 आइटम डालते हैं ना किसी भी डिश में या मीट में, तो डिश अपने में बहुत अनोखा और सुपर डिलीशियस हो जाता है. So we are on way to Nandi Hills and Bittu and Prachi are sleepy, so they are sleeping. वो लोग तब से झपकी पे झपकी मारा जा रहा है. बेचारा वरुण is so tired, चावड़ी चला चला के चला चला के. So he will have tea, I will have Maggie. So यहाँ पर लाइन से काफी ज्यादा स्टॉल है ये मैगी एंड चाय की. मतलब ये बस 20-22 किलोमीटर है अभी नंदी हिल्स. So let's eat Maggie. So यहाँ पर आपको अंडा टोस्ट भी मिल जाएगा. यहाँ पर ये दीदी क्या मैगी बना रहे हो आप? हाँ दीदी मैगी बना रहे हो? ओके दीदी यहाँ पर मैगी बना रही है, वहाँ पर भैया अंडा टोस्ट बना रहे हैं ऑलरेडी. ओके अंडा टोस्ट हम लोग नहीं खा रहे अभी, मैगी खाएंगे अभी. मैगी जो है यहाँ पर पानी में लाल मिर्च पाउडर डाला है क्या? हाँ मैडम. ओके ओके, ये क्या मैगी, लोकल में खाने का मजा ही अलग है. वो अभी ठंडी का टाइम, अभी कितना बज रहा है? 4:45 पर मैगी नहीं, वो पोस्ट है, अलग से बच्चे. बहुत सिंपल मैगी है बट बहुत अच्छे से बनाई है. आप देख सकते हो इसमें धुआं कितने अच्छे से, कितने प्यारे तरीके से धुआं निकल रहा है. वाह बहुत अच्छा लग रहा है. ये टाइम, ये मोमेंट, ये मैगी इज परफेक्ट.
मंडे खुलेगा? मंडे टू फ्राइडे ओपन है। हे भगवान जी, कैसे मार मार के भगा रहा, किसी को नहीं रुकने दे रहा। हाँ हाँ हाँ, गोइंग 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 गोइंग, सबको मारेगा। इतना नसीब खराब है, इतना रोके रोके आए, नींद खराब करके आए, सब कुछ करके आए। ये तो एक नींद भी ले ली पूरा, बिट्टू भी सोने ही गया था, इतना दूर सोया नहीं था, मतलब झपकी ले जा रहा था, ले जा रहा था, क्योंकि मेरा आँख लग रहा था, सोया नहीं कल से। ऐसे तो हील तो दिख रहे, देखो सुबह कुछ दिख जाए। सनराइज तो कहाँ से होगा बेचारा, कौन सा हुआ, कॉम्पास में इस तरफ होगा, इस तरफ सनराइज, इस तरफ होगा, उस तरफ जो हम लोग थे ना, जहाँ से भगा दिया हम लोगों को, उस तरफ, क्योंकि मून इधर है ना। हाँ सही बोली।